लोहरदगा जिले के कुडू थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से पिस्टल, रिवाल्वर, देशी कट्टा सहित कुल 4 हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। लोहरदगा SPR रामकुमार ने बताया कि लोहरदगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुडू थाना क्षेत्र के ककरगढ़ गांव में एक अपराधी हथियार के साथ छिपा हुआ है। वह क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद कुडू थाना पुलिस ने टीम गठित करते हुए छापेमारी अभियान चलाया। ककरगढ़ निवासी अमित कुमार गिरी को 4 हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसने 2 लोगों के नाम भी बताए हैं। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ भी की जा रही है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। कल दिनांक 16/8/2022 और 17/8/2020 रात्रि बजे टाइम में गुप्त सूचना मिला था। एक अमित कुमार गिरी उर्फ विक्की ककरगढ़ का रहने वाला कुडू थाना अंतर्गत, उसके पास हथियार है। उसका गुप्त सूचना आया था, उसका हम लोग एक टीम गठित किया थाना प्रभारी का कुडू का नेतृत्व में एक टीम गठित हुआ। उसमें उसका तलाशी लेने पर एक लोडेड पिस्टल, एक काली मैगजीन और एक मैगजीन में 5 राउंड गोली उसमें बरामद हुआ था। फिर फर्दर इंटरोगेशन में पूछताछ करने में उनके द्वारा बताया है एक राम रतन सिंह से इन्होंने खरीदा था ये हथियार को। और फिर डिटेल इंटरोगेट करने के टाइम में और ये भी बताया था है एक CD सिंह है, चंद्रदेव सिंह है, उसके पास भी हथियार मिल सकता है और उसका घर में भी तलाशी लिया है और उसमें भी हम लोग हथियार मतलब पिस्टल और देसी कट्टा वगैरह गोली के साथ बरामद हुआ है। इस संबंध में कुडू थाना में FIR रजिस्टर हुआ है। ये आज का मामला हथियारों का कारोबार करते थे सर क्या? नहीं, इस अभी हम लोग उस सारा बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करेंगे क्या चीज़ है इसमें, कौन कौन बैकग्राउंड है और पुलिस भी नामी थे क्या सर? ये इनके पहले इसका केस अभी एक केस मिला है गुमला का 13/15 का कुछ रंगदारी मांगने का केस मिला है और बाकी हम लोग का सिस्टम वगैरह वो क्या है नक्सली से भी साठगांठ है अनुसंधान का विषय। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।